तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी क्या है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। दोस्तों इस एक नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने जा रहे हैं अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे लगाएं और अपने चैनल को वेरीफाई कैसे करें। फोन नंबर से वेरीफाई करना जरूरी है, तभी आप दोस्तों अपनी वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपको थंबनेल कैसे लगाना है, बिना थंबनेल के दोस्तों आपकी वीडियो इस तरह दिखेगी, आप देख सकते हैं, और थंबनेल वाली वीडियो इस तरह दिखेगी। तो दोनों में आपको दोस्तों आपको फर्क पता चल गया होगा कितना फर्क है। तो फिलहाल दोस्तों थंबनेल लगाने के क्या फायदे हैं, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको हम बता देते हैं। थंबनेल लगाने का सबसे पहला फायदा है आपने चैनल पर इंप्रेशन बढ़ाना है। क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा बढ़ने से आपकी वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइबर और आपके चैनल पर वॉच टाइम बढ़ेंगे, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज जल्द से जल्द होगा और आपकी वीडियो वायरल भी होने लगेगी। और दोस्तों आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एट्रैक्टिव बनेगी और आपकी वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन थंबनेल ही होता है। दोस्तों आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, आपकी वीडियो को जितनी भी दोस्तों बुरी से बुरी बनाए हो, फिलहाल दोस्तों आपका थंबनेल बेस्ट होना चाहिए, जिससे आपके चैनल पर दोस्तों क्लिक थ्रू रेट बने और आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे, तभी तो आपके चैनल पर व्यू जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपको इतना ज़रूरी है कि आपके चैनल पर थंबनेल जरूर से ज़रूर लगाएं। तो फिलहाल दोस्तों आपको थंबनेल कैसे लगाना है इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं, और थंबनेल कैसे आपको बनाना है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आने वाली है कल, तो वाली वीडियो जरूर देखना ना भूलिएगा। और फिलहाल दोस्तों अभी तक हमारी चार वीडियो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल कैसे बनाएं, आपने चैनल पर लोगो कैसे लगाएं और लोगो कैसे बनाएं, चैनल आर्ट कैसे बनाएं और चैनल आर्ट को कैसे लगाना। फिलहाल दोस्तों अभी तक आपने चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है, नीच नहीं सेलेक्ट की है, तो आप अपने चैनल पर वर्क नहीं कर पाएंगे और वीडियो कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आपने चैनल की कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करें, जिस नीच पर आप काम करना चाहते हैं उसकी कैटेगरी जरूर से जरूर सेलेक्ट करें। इससे ये फायदा होगा आपकी वीडियो उन्हीं लोगों को रिकमेंड की जाएगी जिन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है आपकी वीडियो। गेमिंग है तो गेमिंग वाले को, ब्लॉग है तो ब्लॉग वाले को, टेक है तो टेक वाले को, कुक है तो कुक वालों को प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब वाले खुद। तो इसीलिए आपको नीच सेलेक्ट करना जरूरी है, तो वाली वीडियो जाकर जरूर देखें, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको तो हम बताने वाले हैं अपने चैनल पर आप बैनर कैसे, मतलब थंबनेल कैसे लगा सकते हैं और अपना चैनल वेरीफाई कैसे करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम चलिए चलते हैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर एकदम सरल और जेन्युइन तरीके से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों चलिए हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यह पहले से रखे हुए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आपको इसे आपने जीमेल से वेरीफाई कर लेना, करने के बाद दोस्तों आपको YT स्टूडियो को एप्लीकेशन को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो फिलहाल दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, एडिट वीडियो पर क्लिक कर देना। जैसा एडिट वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऊपर साइड में पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अभी दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी पर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ कस्टम थंबनेल लगाना, तो कस्टम थंबनेल लगाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए चलते हैं कस्टम थंबनेल पर क्लिक कर देते हैं। इसको आपको लेयर मोड पर क्लिक करना है। लेयर मोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ आपको अकाउंट इज वेरीफाई का ऑप्शन देख रहा होगा, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है अकाउंट इज वेरीफाई पर। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाता है इस तरह का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट मी द वेरीफाई कोड, कॉल मी द विथ अकाउंट मेट वॉइस मैसेज। तो दोस्तों आपको टेक्स्ट मी द वेरीफाई कोड पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेना, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी कंट्री देखने को मिलती है, जिससे आप जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी कंट्री सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना। चलिए दोस्तों हम मोबाइल नंबर आपको फिल करके दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। आपको इसी तरह अपना मोबाइल नंबर डाल देना है अच्छी तरीके से, जिससे आपका वेरीफाई हो सके अच्छी तरीके से और थंबनेल आप लगा सके। तो फिलहाल दोस्तों गेट कोड पर आपको सबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक नया इंटरफेस। तो फिलहाल दोस्तों चलिए हम थोड़ा देर रुक लेते हैं। तब तक में दोस्तों मैसेज आ जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों चलिए हम मैसेज बॉक्स पर चलते हैं। मैसेज बॉक्स पर जाने के बाद दोस्तों चलिए हमारा OTP आ चुका है। तो दोस्तों चलिए हम OTP फिल कर देते हैं, जो OTP आई हुई है। आपको भी दोस्तों अच्छी तरीके से OTP फिल करना, जिससे कोई भी गलती ना हो।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने OTP डाल दी। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ एकदम आपको दोस्तों एकदम रिफ्रेश कर देना है पेज को। चलिए दोस्तों हम रिफ्रेश कर देते हैं, ये देख सकते हैं हमने रिफ्रेश कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बैक आ चुके हैं पूरा। इसके बाद दोस्तों आपको करना है YT स्टूडियो को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपको दोस्तों YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको एडिट यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, एडिट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको कस्टम थंबनेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको क्या करना, कस्टम थंबनेल पर आपको क्लिक कर देना है। कस्टम थंबनेल पर क्लिक करें जैसे ही आप अपनी गैलरी पर ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से आप कोई भी यहाँ से आप अपना थंबनेल लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम एक थंबनेल यहाँ लगा देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने थंबनेल लगा दिया है अपनी बेस्ट नीच कैसे चले यूट्यूब के लिए। दोस्तों आप भी दोस्तों ये वाली वीडियो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। तो जम पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों तो ये थंबनेल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना है। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो पर क्लिक करते हैं आपको पता चलता है कौन सी वीडियो किस नाम से आने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के अंदर अच्छे से एकदम समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जल्द वीडियो आने वाली है, अपनी वीडियो को कैसे वायरल करें। फिलहाल दोस्तों जो अभी न्यू लोग हैं उनको अभी थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है अपने चैनल को मैनेज करना। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए अभी ट्यूटोरियल वीडियो आ रही हैं। तो दोस्तों आप प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और नेक्स्ट वीडियो पर हम जल्दी जल्द मिलते हैं।